हेलो स्टूडेंट्स, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रोशन कुमार ऑफ मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेट ऑफ क्लास 11। सो व्हाट इज सेट? What is set? Set क्या है? तो set is well defined, set is well defined collection of objects. सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सेट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज डैट, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेल डिफाइंड का मतलब। वेल डिफाइंड का मतलब कलेक्शन शुड नॉट चेंज from person to person, should not change from person to person। एक ऐसा collection जो person to person change नहीं होना चाहिए। यानी कि if आदमी का जवाब कुछ और है, अगले आदमी का जवाब कुछ और है, ऐसा collection नहीं होना चाहिए। जैसे suppose that एक example लेते हैं कि टॉप फाइव एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अब सवाल उठता है कि अगर टॉप फाइव एक्टर्स की बात हो रही है और हमारे क्लास में किसी एक लड़के से पूछा गया कि बताओ भाई टॉप फाइव एक्टर फॉर बॉलीवुड क्या है, कौन कौन है, तो पहले लड़के ने जवाब दिया अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, विवेक ओबराय एंड शाहिद कपूर। ओके, टॉप फाइव एक्टर। किसी दूसरे लड़के ने जवाब दिया अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, अगेन आमिर खान एंड अमिताभ बच्चन। अब सवाल ये उठता है कि इस लड़के के जवाब में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये जो चीज़ है हमारा, ये फिट नहीं है, नॉट ए फिट। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स या ऑड इवन नंबर्स लेस देन 10। ऑड इवन नंबर्स लेस देन 10, तो ऑड इवन नंबर लेस देन 10, तो इवन नंबर क्या होगा? दो होगा, चार हो गया, छः,
और 8 लेस देन 10 4। अब किसी भी लड़के से पूछेंगे, एक लड़का ने बताया सर ऑड इवन नंबर्स लेस देन 10 यानी 10 से छोटा सारे इवन नंबर, सॉरी एन इवन नंबर लेस देन 10, ऑल इवन नंबर लेस देन 10। तो सेकेंड एग्जाम्पल है कि ऑल इवन नंबर लेस देन 10, अगर किसी लड़के से पूछा जाए कि 10 से छोटा सारा इवन नंबर बताइए, तो लड़के ने जवाब दिया 2, 4, 6, 8। दूसरे ने कहा कि ऑल इवन नंबर लेस देन 10। तो ये किसी भी लड़के से अगर पूछा जाए या किसी भी पर्सन से, तो इसका आंसर चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि इट्स ए फेट। ओके, जैसे सेकेंड एग्जांपल, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक लड़के ने जवाब दिया सर वोवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स है क्या वो फेट है, फेट का डिफिनेशन एग्जांपल बताओ। तो लड़के ने जवाब दिया वोवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरे लड़के ने कहा कि सर ए ई आई ओ यू। अब दोनों के जवाब में क्या है, समानता है। तो ये फेट है क्योंकि इसका पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, सो इट्स ए फेट। और अगर चेंज हो जाए तो ये फेट नहीं कहलाएगा। इसी का अर्थ होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, फेट क्या है, फेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब फेट के बारे में हम लोग जान लिए, अब पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए फेट। एक फेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कि जो भी फेट हो उसे एक कैपिटल लेटर्स में हम लोग इंडिकेट करते हैं। जैसे वोवेल की बात करते हैं तो वोवेल को हमने मान लिया एक कैपिटल, किसी भी फेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, कैपिटल ए। ओके, एंड सारे मेंबर्स, जितने भी फेट में मेंबर्स होंगे, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सारे एलिमेंट्स को, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ ए फेट या मेंबर ऑफ ए फेट। ओके, सो ये सारे मेंबर्स को, ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग कॉमाज के द्वारा सेपरेट करते हैं और इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये फेट लिखने का तरीका है। ओके, तो फेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। फेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कितने तरीके से, इसके दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। पहला तो एक रोस्टर फॉर्म, पहला कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है ROFTER रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फेट रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और सेकेंड नंबर होता है क्या कि फेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने लिखा कि वोवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये जो स्टेटमेंट है
यहाँ से हमारा जो है फैट बिल्डअप हो रहा है, मतलब फैट यहाँ से हमारा बन रहा है। फैट बनाने का बनाने के लिए हम लोग यहीं से हम लोग की एक फैट का एग्जांपल दीजिए तो वोवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने सारे वोवेल्स होते हैं, तो यहाँ से फैट क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है। इसलिए इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे फैट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, फैट बिल्डर फॉर्म। और ये जो तरीका लिखने का है, जैसे हमने लिखा ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू सेपरेट करके, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म लिखना तो आसान है कि सारे मेंबर्स को कॉमाज कर करके कर्ली ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे। और ये ध्यान देना है कि जितने सारे भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंबर्स होंगे वो सभी स्मॉल लेटर में होंगे, और इस फैट को रिप्रेजेंट करने वाला जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ओके, फैट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास हैं, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा फैट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कि जैसे कि फैट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी हमने बताया फैट को किस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज डैट कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये हमने एक लिया एग्जांपल इसका फेट का। अब इसको दोनों तरीके से लिख करके हम लोग जानेंगे कि कैसे लिखाता है। सबसे पहला क्या है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 को लिखने का सबसे फिट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में से इंडिक्स को इंडिकेट करेंगे हमेशा, और कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे इसको, और एक्स, एक्स क्या है, एक्स उस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है जो फेट से फेट को रिप्रेजेंट करे। जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर में 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, 10 से छोटा है। तो इसको हम लोग यक्स, यक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है कि ये जो सारे मेंबर्स हैं इसको हम लोग यक्स से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो मेंबर्स है वो, और उसके बाद साइन देंगे इसका और लिखेंगे कि एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये जो फॉर्म आपका हुआ ये क्या हुआ, फैट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो एक्स है ये डिफिनेशन को बताता है कि डिफिनेशन ये है कि एक्स जो मेंबर्स है नेचुरल नंबर का वो 10 से छोटा है और ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। वो इस चीज़ के डिफिनेशन को ये एक्स क्या करता है, दर्शाता है, यानी एक्स इज द मेंबर, बट किसका मेंबर, तो एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, और इसी इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्या, फैट बिल्डर फॉर्म, फैट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग फैट बिल्डर फॉर्म के रूप में जानते हैं। फैट बिल्डर फॉर्म में हो तब हम इसी ढंग से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस ढंग से। और अगर दूसरा कि कहा जाए कि ये सारे नंबर को टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस ढंग से, 1, सबसे पहले जितने सारे एलिमेंट्स हैं 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर्स का वो सभी को कॉमाज के द्वारा सेपरेट किया जाएगा, 5, 7 एंड 9। ओके, और ये सारे को सेपरेट करने के बाद इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया जाएगा,
और इस रिप्रेजेंट किया है। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं क्या, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, या इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो फेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, दोनों तरीके हम लोग जान गए हैं। ओके, एंड ये जो सारे चीज है, ओके, इसको हम लोग कहेंगे क्या, एलिमेंट ऑफ फेट, एलिमेंट ऑफ फेट, इसको हम लोग कहेंगे क्या, और भी कहेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ फेट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ फेट, मेंबर ऑफ फेट, मेंबर ऑफ फेट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इंग्लिश वॉवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको हम लोग अगर बी से इंडिकेट करते, कैपिटल लेटर बी से, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कि सबसे पहले हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स इज टू, एक्स इज वॉवेल इन, एक्स इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फा वेट। ओके, एंड इसी को हम लोग टेबलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इस ढंग से ए ई आई ओ यू, ओके, ये रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो ये वाला फॉर्म हमारा हो जाएगा क्या, फेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमारा फॉर्म हो जाएगा क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। एक खास बात और कि नोट में इन टेबलर फॉर्म, टेबलर फॉर्म में एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। मतलब जैसे ये जो फेट है ए ई आई ओ यू, अगर ई दो बार आ रहा है तो दो बार हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज डैट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं स्कूल, ठीक है, अब इसको हम लोग इसको फेट में लिखना है, स्कूल वर्ड्स को हम लोग फेट के दोनों फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये बी फेट है तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यक्स इज टू, यक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ओके, और इसी चीज को अगर हम टेबलर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल। ये नहीं कि दो बार ओ को हम रिपीट कर देंगे, क्योंकि इसमें टेबलर फॉर्म में एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, इसको रिपीट नहीं किया जा सकता है, तो ओ को हम दो बार रिपीट नहीं करेंगे। अब सर आपने कहा कि इसके अंदर ये क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर से इंडिकेट करना है, तो ये वर्ड ही हमारा कैपिटल लेटर में दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग इसको कैपिटल लेटर में इंडिकेट कर दिए। ओके, अब हम लोग एक पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग, बिलोंग्स टू। क्या होता है कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का फाइन, जो बिलोंग्स टू का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम अमीर आदमी के घर से बिलोंग करते हैं, हम बॉलीवुड के खानदान से बिलोंग करते हैं, या कुछ भी जो जहाँ से बिलोंग करता है, हम नवादा से बिलोंग करते हैं, हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग के मुंह से सुनते होंगे आप लोग, कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का मतलब है कि हम अंबानी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है कि हम अंबानी के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब हम अंबानी के फैमिली का एक मेंबर हैं,
इफ ढंग से आप इसको कह सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फेट ले ली ए, ए जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ए ई आई वॉवेल्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए ई आई ओ यू। ओके, अब कहा जाए कि ए इफ ढंग का साइन होता है बिलोंग्स टू का, ए जो है वो फेट ए से बिलोंग करता है, तो यहां लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, ए जो है अब ये जो मेंबर है ए, ये किस से बिलोंग करता है, फेट ए से बिलोंग करता है। अगर हम लोग लिखें यहां कि टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब टू जो है वो ए फेट से बिलोंग नहीं करता, यानी टू जो है वो ए ए फेट का जो मेंबर है उसमें टू नहीं है। देखिए कहीं भी टू नहीं है इसमें, बट ए जो है इस फेट का मेंबर है, यानी ए ए ई आई ओ यू है, तो ए जो है इस फेट का मेंबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, और ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, तो ए बिलोंग्स टू ए और टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? चलिए, डेट्स ऑल।